नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RAS एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं एक नई अपडेट के साथ आपके सामने आया हूं जो हेल्पर 2 से रिलेटिव है। और लगते हाथ आपको बता दूं कि जो मित्र इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे इसे सब्सक्राइब कर बराबरी बने घंटे को दबा दें, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। प्यारे साथियों, आप सबके करीब 600 से 700 कमेंट के आधार पर मैंने एक अंतिम कट ऑफ बनाई है। अब आप कमेंट करके ये मत पूछें कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देख लें ताकि आपके मन में जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएंगे और आप भली बात ही जान जाएंगे कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, अतः अब आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। रिजल्ट के बारे में अगर बात की जाए तो 15 मार्च के इर्द गिर्द आने की संभावना है। और आज हम इस कट ऑफ में जो कट ऑफ मैंने बनाई है वो कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जिसमें अलग अलग कंपनियों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने ही कमेंट के माध्यम से मांग रखी थी कि सर इसकी कंपनी वर कट ऑफ तैयार कीजिएगा। मैंने एक कट ऑफ तैयार की थी, हालांकि वो कंपनी वर नहीं थी, केवल कैटेगरी वाइज थी। तो आज हम कंपनी वर बात करेंगे। चलो कमेंट पर देख लेते हैं हम इसकी कट ऑफ। तो जयपुर की जनरल की कट ऑफ है मित्रों वो 76 प्लस रहने वाली है, और जोधपुर की है वो आप 75 प्लस है, और अजमेर की है 77 प्लस है, और आरआर की है जो 76 प्लस है। ठीक है, अब ओबीसी की बात की जाए जयपुर की तो 74 प्लस है, और जयपुर की 74 प्लस है, और जोधपुर की 73 प्लस है, और अजमेर की ये वो आपके 75 प्लस है, और आरआर की बात की जाए तो 74 प्लस है। ठीक है, अब एससी की बात की जाए जयपुर की तो 78 है, जोधपुर एससी की बात की जाए तो 76 प्लस है, और अजमेर की बात की जाए एससी की 78 प्लस है, और आरआर की बात की जाए तो 79 प्लस है, और एसटी की बात की जाए जयपुर से तो 65 प्लस है, और जोधपुर से 63 प्लस है, और अजमेर से 66 प्लस है, और आरआर से 67 प्लस है। अब बात की जाए एसबीसी जयपुर से तो 72 प्लस है, और जोधपुर से 70 प्लस है, और अजमेर से 73 प्लस है, और आरआर से तो 73 प्लस है। सम्मानी कट ऑफ बताई जा रही है। अब क्या है मित्रों कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं वो जयपुर से हुए हैं, जयपुर और आरआर से, तो यहाँ थोड़ी कट ऑफ अधिक रहने की संभावना है, और अजमेर से वैसे कम फॉर्म फिल हुए हैं तो यहाँ कट ऑफ कम रहने की संभावना है। जोधपुर की तो इन जयपुर के बराबर ही रहती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें और अपने मित्रों में से शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।